कुछ मूवीज और शोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बने होते हैं, लेकिन कुछ रेयर मूवीज और सीरीज ऐसी होती है जो एंटरटेनमेंट के स्केल से बहुत आगे ले जाकर गूजबम्स देने वाला रेयर थ्रिल फील करवाती है और स्क्रीन से आंख हटाने तक का मौका नहीं देती है। और भाई हर एक मूवी फैन को ऐसा ही कड़क माल चाहिए, और अगर आप भी उन मूवी फैंस में से एक हैं तो दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि यहां मिलेंगी नेटफ्लिक्स की टॉप 7 बवाल थ्रिलर सीरीज जो आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देने के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी भी पूरा फील करवाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की ये थ्रिलिंग राइड शुरू करते हैं। दिस मैसेज विल नॉट बी द लास्ट। आई एम द वॉचर। थ्रिलिंग नेटफ्लिक्स शोज के इस वीडियो की शुरुआत होती है एक ब्रिटिश सीरीज से जिसका एक ही सीजन है, लेकिन भैया इस सीरीज का ये एक सीजन बहुत कम एपिसोड्स में भी आपको असली थ्रिल फील करवा ही जाएगा। नंबर 7 पर है 2022 में रिलीज हुई सीरीज इनसाइड मैन। तो इस मेन स्टोरी में हम एक प्रिजनर और एक किडनैप्ड वुमन की दो बिल्कुल अलग कहानियों को मर्ज होते हुए देखते हैं। अब सुनने में ये प्लॉट उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसके अलावा स्टोरी के बारे में अगर कुछ भी बताया ना तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, और भैया स्पॉइलर की तो हम में से किसी के साथ नहीं बनती, इसलिए उसको अवॉइड करना ही ठीक है। देखो इनसाइड मैन वैसे स्टोरी और कंसेप्ट में डेफिनेटली काफी थ्रिलिंग है, लेकिन इसकी पेसिंग कुछ मोमेंट्स पर लेस देन परफेक्ट फील हो सकती है। तो जो लोग एक स्लो बर्न स्टोरी को एंजॉय करना जानते हैं उनके लिए इनसाइड मैन एक परफेक्ट वॉच है, क्योंकि ये सीरीज सबके लिए तो नहीं है। मात्र 4 एपिसोड्स के साथ ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर एक ऐसी सीरीज है जिसका हर फ्रेम एक अजीब सी बेचैनी फील करवाता है, क्योंकि इसके स्टोरी टेलिंग का थ्रिलिंग स्टाइल उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। 2022 में रिलीज हुई द वॉचर हमें उस फैमिली की कहानी बताती है जो आखिर में अपने सपनों का घर लेकर उसमें रहने लग जाते हैं, एंड वहां पे वो खुश भी हैं, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाती क्योंकि उन्हें कुछ थ्रेटनिंग लेटर्स रिसीव होते हैं जो उनके लिए एकदम अनइमेजिनेबल है। द वॉचर की कहानी कभी कभी थोड़ी एमलेस फील हो सकती है, एंड इसके कैरेक्टर्स भी थोड़े अनॉइंग लग सकते हैं, लेकिन इन वीक पॉइंट्स के लिए मेकअप करते हैं इसके नेवर एंडिंग थ्रिल्स जो व्यूअर को हर मोमेंट अपनी सीट के एज पर रखते हैं। अब थ्रिल के साथ साथ सीरीज में एक्सट्रीमली बिलीवेबल परफॉर्मेंसेस भी मिलती है जो आपको हर कैरेक्टर का डर वो सस्पेंस पूरी तरह से फील करवाते हैं। तो मिस्ट्री और थ्रिल पसंद करने वाले मूवी फैंस के लिए ये शो एकदम रिकमेंडेड है। अब तक इसका एक सीजन रिलीज हुआ है जिसमें 40 से 50 मिनट के 7 एपिसोड्स हैं। नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है थ्रिलिंग एक्शन ड्रामा सीरीज जिसे टोटली बवाल बनाते हैं इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स जो एक मोमेंट के लिए भी बोर नहीं होने देते हैं। 2023 में रिलीज हुई सीरीज हु इज एरन कार्टर, ये एक नॉर्मल मदर वाइफ एंड टीचर की कहानी है। अब भैया इस नॉर्मल वुमन के बारे में सब कुछ एबनॉर्मल ही है क्योंकि ये अपनी असली पहचान सबसे छुपा रही है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, ये जवाब एक डेंजरस एंड एक्शन पैक्ड धमाके के साथ सामने आएगा। अब इस कहानी की मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्ट्री थोड़ी सी ओवरहाइप्ड फील होती है जो रिवील होने के बाद भी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग फील हो सकती है एंडिंग में, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर जो चीज इस शो को वर्थ वॉच बनाती है ना वो है इसके एक्शन सीक्वेंस और एक थ्रिलिंग स्टोरी, वो भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ जो एंड तक एंटरटेनमेंट और थ्रिल में कोई कमी नहीं छोड़ती है। टोटल 7 एपिसोड्स के साथ इसका पहला सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है जर्मनी से एक इंटेंस थ्रिलर सीरीज जिसका हैवी इंपैक्ट झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। 2023 में रिलीज हुई डियर चाइल्ड हमें एक कॉम्प्लिकेटेड क्राइम स्टोरी दिखाती है, वो भी पास्ट एंड प्रेजेंट को एक साथ मिलाकर। एंड इस सीरीज की खास बात है कि इसकी स्टोरी एक मिस्टीरियस यंग गर्ल के जरिए आगे बढ़ती है जो इसे कभी कभी इनोसेंट और कभी कभी इमेंसली हॉरिफाइंग फील देती है। अब वैसे तो इस सीरीज में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीपली नोटिस करने पर नैरेटिव में आपको थोड़े बहुत लूप होल्स फील हो सकते हैं, लेकिन इसकी सारी प्रॉब्लम फिक्स करती है सीरीज की फाड़ू परफॉर्मेंसेस, स्पेशली लीड कैरेक्टर की परफॉर्मेंस जिसका कैरेक्टर एंड एक्टिंग दोनों अमेजिंग है। अब वैसे तो ये सीरीज अपनी परफॉर्मेंस के दम पर ही वर्थ वॉच बन जाती है, लेकिन डार्क एंड मूडी टोन के साथ इसकी स्टोरी भी कोई कम नहीं है। इस थ्रिलिंग मिनी सीरीज को नेटफ्लिक्स पर आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं, इसके पहले सीजन में 6 एपिसोड्स मिलेंगे। नंबर 3 पर है एक थ्रिलिंग लीगल सीरीज जो एक लॉयर की कहानी के जरिए हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंस क्राइम सागा दिखाती है जो थ्रिलर फैंस के लिए तो श्योरली मस्ट वॉच है। 2022 में शुरू हुई सीरीज द लिंकन लॉयर
स्टोरी का सेंटर एक अनऑर्थोडॉक्स लॉयर है जो मेनली अपनी कार के बैक सीट से ऑपरेट करता है और एक के बाद एक डेंजरस केसेस को टेक ऑन करता चला जाता है। और ये जो केस सॉल्विंग की जर्नी है ना, वही इस शो को इंटरेस्टिंग बनाती है। बस कुछ एमेच्योरिश डायलॉग्स के अलावा इसमें और कोई ग्लिच नहीं है, इसीलिए ये सीरीज बिंज वॉचिंग के लिए परफेक्ट है। इसकी केस स्टोरीज काफी इंटेंस एंड इंट्रीगिंग है जो व्यूअर को अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज में पुल इन कर लेती है और इसी वजह से ये सीरीज इस लिस्ट के टॉप 3 में जगह बना पाई है। अगर सच में तुम क्वालिटी स्टोरी और फन एंजॉय करना चाहते हो तो फिर ये शो एकदम परफेक्ट चॉइस है। अब तक इसके 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं जिन्हें नेटफ्लिक्स पर आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। Success is all about momentum. In court, before you can win, you gotta believe you can win. But what if you don't? Then you better fake it till you make it. नंबर 2 पर एक बहुत ही क्रिपी और थ्रिलिंग सीरीज है जिसका लीड कैरेक्टर सबसे स्ट्रेंज, सबसे खतरनाक कैरेक्टर एवर मेड है और विलन होते हुए भी ये बंदा स्टोरी का हीरो है। और एक प्रो टिप ये है कि इस सीरीज को बिल्कुल भी घर वालों के साथ मत देखना, एकदम अकेले में इसको देखना। 2018 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज यू। जब बात असली थ्रिलर एंटरटेनर्स की हो और इस सीरीज का नाम ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इस सीरीज में हम वही टिपिकल लव स्टोरीज देखते हैं जो हर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में मिलती है, लेकिन भैया यहाँ पर ये स्टोरी होश उड़ा देने वाले ट्विस्ट के साथ मिलती है। यू एक बहुत ही डार्क सीरीज है जिसके सीजन्स की क्वालिटी ब्रिलियंट है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर थोड़ी लेजी राइटिंग भी इसमें देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल ये सीरीज वो थ्रिलिंग राइड है जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ बनी रहेगी। थ्रिलर फैंस के लिए इस सीरीज में बहुत सारे मर्डर्स, किडनैपिंग्स एंड स्टॉकिंग है। इन सबको मिक्स करके जिस अमेजिंग वे में स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है ना, वो बहुत ही यूनिक है। दुनिया के सबसे धांसू थ्रिलर शोज में इसका नाम टॉप पर आता है, तो ये तो फिर एकदम मस्ट वॉच है। इसके सारे सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। तो फाइनली बारी आ चुकी है इस वीडियो की सबसे थ्रिलिंग सीरीज की जिसकी टॉप पोजीशन कोई नहीं छीन सकता। ये एक अमेजिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल थ्रिलर का काम भी परफेक्टली करती है। नंबर 1 पर है 2018 में रिलीज हुई अमेजिंग ब्रिटिश सीरीज बॉडीगार्ड। ये एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है जिसे एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन की प्रोटेक्शन की ड्यूटी दी जाती है। टेररिज्म, PTSD, असैसिनेशन एंड रनिंग फ्रॉम द पुलिस, ये सारे थ्रिलिंग पॉइंट्स ये अमेजिंग सीरीज एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हुए एकदम बवाल एक्सपीरियंस ऑफर करती है। इस शो में कोई भी वीकनेस नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी स्टोरी से लेकर परफॉर्मेंसेस तक सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो अगर एरोटिक रोमांस, मैड वॉयलेंस, धांसू चेस सीन्स और बहुत सारा थ्रिल एक्सपीरियंस करना है तो फिर बॉडीगार्ड एकदम मस्ट वॉच शो है। भाई इसमें इतना सब कुछ एक साथ स्क्रीन पर चल रहा होगा कि बोर होना तो दूर, स्क्रीन से आंख हटाने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसके पहले सीजन में एवरेज 1 घंटे के 7 एपिसोड्स हैं और नेटफ्लिक्स पर ये इंग्लिश में अवेलेबल है। अब तुम चाहे किसी भी जॉनरा के फैन हो, नेटफ्लिक्स की ये 7 अमेजिंग थ्रिलर सीरीज एकदम मस्ट वॉच है। और अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो अपनी फेवरेट थ्रिलर सीरीज कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और ट्रू मूवी लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल माइंड ब्लोइंग एक्शन सीरीज के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जरूर देखो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।